Hello everyone, welcome to Inspiration IAS daily news analysis. Today we are going to discuss the important news articles of 24th May 2021 from Hindu, Indian Express, PIB and Assam Tribune. Please note that you can download this lecture PDF from our website www.inspirationias.org, as well as you can also download daily MCQ and Vishleshan from our website by clicking this link below. Alternatively, you can follow our social media page like Facebook, Instagram and Telegram channel for other study materials and notes. Inspiration IAS has started its online foundation batches for UPSC as well as other state PCS examinations. So if you are preparing for UPSC or other state PCS, then you can enroll in our online cum offline foundation batches, where you will be getting the highly interactive classes of India's top UPSC educators. And this program has a unique features in which you have options to shift it from the online to offline format. So whenever the situations permits, you can even shift your online classes to the offline batches. For more information, you can call in this given number, or you can also register in our website. Inspiration IAS has started its online mock test series for UPSC and other state PCS examinations. So if you are preparing for this year prelims examinations 2021, then you can enroll in our mock test series. This mock test series will be available both in online as well as offline format. So for more information, you can call in this given number, or even you can register in our website www.inspirationias.org. So let's start our today's daily news analysis. तो आज का हमारा पहला न्यूज है, रिसेंटली आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इंडिया के 6 और हेरिटेज साइट्स को यूनेस्को को भेज दिया है टू इंक्लूड देम इनटू द वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट या वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। तो समझते हैं आखिर ये न्यूज क्या है। देखिए, रिसेंटली 6 इंडियन प्लेस हैज बीन एडेड टू द टेंटेटिव लिस्ट। ध्यान रखिएगा, ये टेंटेटिव लिस्ट है ऑफ यूनेस्को, दैट इज यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। द सबमिशन वेयर मेड बाई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंजर्वेशन एंड प्रजर्वेशन ऑफ द इंडियन मॉन्यूमेंट्स। तो ये जो लिस्ट है जिसको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भेजा है, जो ऑलमोस्ट सारे मॉन्यूमेंट्स की प्रोटेक्शन करता है, तो आखिर ये टेंटेटिव लिस्ट क्या होता है? ध्यान रखिएगा, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में ये ऐड नहीं हुए हैं ये साइट्स, बल्कि ये टेंटेटिव लिस्ट में ऐड हुए हैं। सो एज पर ऑपरेशनल गाइडलाइंस 2019 ऑफ द यूनेस्को, इट इज मैंडेटरी टू पुट एनी मॉन्यूमेंट साइट्स ऑन द टेंटेटिव लिस्ट फॉर 1 ईयर बिफोर इट इज कंसिडर्ड फॉर द फाइनल नॉमिनेशन दोज ईयर्स। तो कहने का अर्थ ये है कि अगर आपको किसी लिस्ट को या किसी साइट्स को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में डलवाना है, तो उससे पहले लगभग 1 साल तक उस साइट्स को टेंटेटिव लिस्ट में ऐड रहना जरूरी है, तभी उसको कंसिडर किया जाएगा फॉर द वर्ल्ड हेरिटेज साइट स्टेटस। वंस नॉमिनेशन इज डन, इट इज सेंट टू द वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर्स एंड इंडिया हैज ऑलमोस्ट अराउंड 48 साइट्स इन द टेंटेटिव लिस्ट एज ऑफ नाउ। तो इंडिया के लगभग 48 साइट्स हैं जो अभी तक वो टेंटेटिव लिस्ट में है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की बात किया जाए तो इसको यूनेस्को स्टेटस देता है, एंड यहाँ पर 3 तरह के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स होते हैं। जैसे कि पहला जो होता है कल्चरल, जो इंसानों ने बनाया है, दूसरा होता है नेचुरल, जो कुदरत के बनाए हुए चीज़ें होती है साइट्स होते हैं, और तीसरा जो होता है मिक्स, जो मिक्स्ड होता है कल्चरल और नेचुरल का। तो कल्चरल साइट्स इंक्लूड हंड्रेड्स ऑफ हिस्टोरिक बिल्डिंग्स एंड टाउन साइट्स, इम्पॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड वर्क्स ऑफ मॉन्यूमेंटल स्कल्पचर्स और पेंटिंग। जबकि नेचुरल हेरिटेज साइट्स आर रिस्ट्रिक्टेड टू दोज नेचुरल एरियाज दैट हैव एक्सलेंट इकोलॉजिकल एंड इवोल्यूशनरी प्रोसेस, यूनिक नेचुरल फेनोमेना, हैबिटेट्स ऑफ रेयर और इंडेंजर्ड स्पीशीज। तो रेयर और इंडेंजर्ड स्पीशीज का अगर कोई लोकेशन है, अगर कोई घर है, तो उसको भी नेचुरल साइट्स में डाला जा सकता है। एंड मिक्स साइट्स कंटेन एलिमेंट्स ऑफ बोथ नेचुरल एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस, और मिक्स साइट में लगभग दोनों ही फीचर्स होते हैं। कि इंडिया हैज 38 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इंक्लूडिंग 30 कल्चरल प्रॉपर्टीज, 7 नेचुरल प्रॉपर्टीज एंड 1 मिक्स साइट। एंड लेटेस्ट वन जो रिसेंटली ऐड हुआ है, उसको जयपुर सिटी ऐड किया गया है, जो राजस्थान में लोकेटेड है। ये 6 कौन कौन से साइट्स हैं? इसमें पहला जो साइट्स है, दैट इज द सतपुरा टाइगर रिजर्व, जो मध्य प्रदेश में लोकेटेड है, एंड इट इज अ होम टू 26 स्पीसीज ऑफ द हिमालयन रीजन एंड 42 स्पीसीज ऑफ नीलगिरी एरियाज, एंड इट इज द लार्जेस्ट टाइगर
ऑक्यूपाइड फॉरेस्ट एंड ऑल्सो हैज द लार्जेस्ट टाइगर पॉपुलेशन, ये दुनिया का सबसे ज्यादा टाइगर पॉपुलेशन वाला जगह है। दूसरा जो है बनारस के घाट है, दैट इज द उत्तर प्रदेश में जो लोकेटेड है। इट इज 14th सेंचुरी का ये घाट है ऑलमोस्ट, एंड इट वॉज बिल्ट विथ रीबिल्ट अलॉन्ग विथ वाराणसी इन 18th सेंचुरी। इसको 18th सेंचुरी में फिर से बनाया गया था बाई मराठा रूलर्स। दे हैव स्पेशल सिग्निफिकेंस इन हिंदू माइथोलॉजी एंड आर प्राइमरली यूज फॉर बाथिंग एंड रिलीजियस हिंदू रिलीजियस रिचुअल्स। तीसरा जो साइट है कर्नाटका से है, जिसको हम लोग मेगालिथिक साइट भी बोलते हैं, ऑफ हीरे बेंकल। एंड दिस ये 2800 ईयर्स ओल्ड मेगालिथिक साइट है। मेगालिथिक साइट माने होता है ऐसे बड़े बड़े पत्थरों से बनाया हुआ है स्ट्रक्चर, आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चर होते हैं। एंड वेयर सम फ्यूनरी मोन्यूमेंट्स आर स्टिल इंटैक्ट, यहाँ पर अभी भी कोई बहुत सारे ऐसे फ्यूनरी एलिमेंट्स है जो अभी भी इंटैक्ट ही है। द ग्रेनाइट स्ट्रक्चर आर बुरियल मोन्यूमेंट्स दैट मे हैव सर्व्ड मेनी रिचुअल पर्पसेस ड्यू टू द एक्सट्रीमली वैल्यूएबल कलेक्शन ऑफ न्यूलिथिक मोन्यूमेंट्स, द साइट वॉज प्रपोज फॉर रिकग्निशन। फोर्थ है मराठा मिलिट्री आर्किटेक्चर इन महाराष्ट्र। देर आर 12 फोर्ट इन महाराष्ट्र डेटिंग बैक टू द एरा ऑफ 17th सेंचुरी ऑफ मराठा किंग छत्रपति शिवाजी, एंड दे आर शिवनेरी, रायगढ़, तोरना, राजगढ़, शालेर, मुलेर, पनहाला, प्रतापगढ़, लोहागढ़, सिंधुदुर्ग, पद्मादुर्ग, विजय दुर्ग एंड कोलाबा। तो ये कुछ 7-12 ऐसे दुर्ग हैं, 12 ऐसे फोर्ट हैं जो महाराजा छत्रपति शिवाजी के से रिलेटेड हैं, एंड दिस फोर्ट हैव ए वेरी इंपॉर्टेंट कल्चरल हेरिटेज। दिस फोर्ट्स ऑफर न्यू इनसाइट इन वेरियस फॉर्म्स ऑफ आर्किटेक्चर इंक्लूडिंग रॉक कट फीचर्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ पेरीमीटर वॉल्स इन लेयर्स ऑन हिल टॉप्स एंड स्लोप्स, टेम्पल्स, पैलेसेस, मार्केट, रेसिडेंशियल एरियाज एंड ऑलमोस्ट एवरी फॉर्म ऑफ मेडिवल आर्किटेक्चर। तो इसमें लगभग ये सारी चीज़ें लोकेटेड हैं। भेड़ा घाट, लेमता घाट, ये नर्मदा वैली में पड़ता है जो जबलपुर रीजन में मध्य प्रदेश। भेड़ा घाट रेफर टू एज द ग्रैंड कैनियन ऑफ इंडिया, इसको ग्रैंड कैनियन ऑफ इंडिया बोला जाता है, एंड इज अ टाउन इन द जबलपुर डिस्ट्रिक्ट। इट इज़ नोन फॉर इट्स मार्बल रॉक्स एंड दे आर वेरियस मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स ऑन आइदर साइड्स ऑफ द नर्मदा रिवर विच फ्लोज थ्रू द गॉर्जेस। आपको मालूम होगा कि नर्मदा एक रिफ्ट वैली के रिफ्ट से गुजरता है और लगभग इसी रीजन में पड़ता है वो। सेवरल डायनासोर फॉसिल्स हैज बीन फाउंड इन द नर्मदा वैली, पर्टिकुलरली इन द भेड़ा घाट, लमता घाट एरिया ऑफ जबलपुर। इसमें बहुत सारे डायनासोर के भी फॉसिल्स मिले हुए हैं इस रीजन में। एंड रिवर नर्मदा नैरोज डाउन ऑन इट्स वे थ्रू मार्बल रॉक्स एंड प्लंजेस इन ए वाटरफॉल गिविंग अप अपीयरेंस ऑफ ए स्मोक कैस्केड। एंड लास्ट जो है वो टेम्पल ऑफ कांचीपुरम तमिलनाडु का। कांचीपुरम इज नोन फॉर इट्स स्पिरिचुअलिटी, सेरेनिटी एंड सिल्क। कांचीपुरम सिल्क आप लोग सुने होंगे। इट इज सिचुएटेड इन द बैंक ऑफ रिवर वेगावती एंड दिस हिस्टोरिकल सिटी वंस हैड 1000 टेम्पल ऑफ विच ओनली 126, जिसमें से 108 शिवा का है और 18 वैष्णव का है, नाउ रिमेन्स। इट्स रिच लेगेसी हैज बीन द एंडोमेंट ऑफ द पलवा डायनेस्टी। ये पलवा डायनेस्टी की एक बहुत बड़ी धरोहर है विच मेड द रीजन इट्स कैपिटल बिटवीन द 6th and 7th सेंचुरी एंड लैविस्ड अपॉन इट्स आर्किटेक्चरल जेम्स दैट आर ए फाइन एग्जाम्पल ऑफ द्रविडियन स्टाइल। तो लगभग जितने यहाँ पर टेम्पल है एक द्रविडियन स्टाइल में बने हुए हैं। तो ये कुछ 6 साइट्स हुए जिसको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भेजा है यूनेस्को को, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेस होल्ड करते हैं इंडिया में। चलिए अपने अगली न्यूज़ पे चलते हैं। हमारा अगला न्यूज़ है रिसेंटली कैनासोर फॉरेस्ट डिजीज, जिसको KFD भी बोला जाता है, उसके लिए न्यू पॉइंट ऑफ केयर टेस्ट डेवलप कर लिया गया है। ये एक तरह का मोबाइल पॉलीमरेज चैन रिएक्शन टेस्ट होता है, जिसको कहीं भी लेकर जाया जा सकता है, उसको आराम से वो ऑन द फील्ड इसको टेस्ट किया जा सकता है। तो समझते हैं आखिर ये न्यू पॉइंट ऑफ केयर टेस्ट क्या होता है और व्हाट इज कैनासोर फॉरेस्ट डिजीज। इस डिजीज को मंकी फीवर भी कहा जाता है क्योंकि पहली बार ये मंकी से ही आया था। सो पॉइंट ऑफ केयर टेस्ट क्या है? इट इज ए टेस्ट डेवलप्ड बाय इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी एंड इट इंक्लूड्स बैटरी ऑपरेटेड पॉलीमरेज चैन रिएक्शन एनालाइजर। देखिए PCR रिएक्शन करने के लिए आपको लैब में सैंपल्स को ले जाना होता है जहां पर वो एनालाइज होता है, बट ये जो पॉइंट ऑफ केयर टेस्ट है ये मोबाइल है, इसको आप कहीं भी लेकर जा सकते हो और कहीं भी ये टेस्ट डिटेक्ट करके दे सकता है।
and it is a portable, lightweight and universal cartridge based sample pre-treatment kit and a nucleic acid extraction device that helps in sample processing at the point of care. तो ये sample को वहीं पर process कर सकता है जहां पर इसको test किया जाएगा. Benefits ये है कि it would be beneficial for the diagnosis of KFD as the outbreak mainly happens in the remote area. देखिए KFD एक ऐसा disease है जो almost गांव या remote areas में होता है, जंगल झाड़ इलाकों में होता है. तो वहाँ पर सैंपल लेकर वहाँ से सैंपल लेकर आना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है. इसके लिए ये एक ऐसा टेस्ट बनाया गया है जो आराम से जहाँ पर ये डिजीज़ हुई है वहीं पर ये किट को लेकर जाया जा सकता है और सैंपल को लैब में लाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी. वेयर देर इज़ अ लैक ऑफ वेल इक्विप्ड सैंपल हैंडलिंग एंड लेबोरेटरी टेस्टिंग फैसिलिटीज़, इट वुड बी यूजफुल इन क्विक पेशेंट मैनेजमेंट एंड कंट्रोलिंग फर्दर स्प्रेड ऑफ द वायरस. इस वायरस को स्प्रेड होने से ही बचाया जा सकता है. तो दैट इज अबाउट द न्यू पॉइंट ऑफ केयर टेस्ट. थोड़ा समझते हैं कैसानूर फॉरेस्ट डिजीज होता क्या है. देखिए कैसानूर फॉरेस्ट डिजीज बेसिकली ये मंकी को होता है एंड इट इज कॉज्ड बाई कैसानूर फॉरेस्ट डिजीज वायरस, KFDV बोलाता है, विच प्राइमरली अफेक्ट्स ह्यूमन एंड मंकी. ये बंदर और इंसानों को ये अफेक्ट करता है. एंड इट वॉज फर्स्ट आइडेंटिफाइड इन 1957 इन ए सिक मंकी फ्रॉम द कैसानूर फॉरेस्ट इन कर्नाटका. सिंस देन बिटवीन 400 टू 500 ह्यूमन केसेस पर ईयर हैव बीन रिपोर्टेड. इवेंचुअली केएफडी इमर्जेस एज ए ग्रेव पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम स्प्रेडिंग थ्रू द इंटायर वेस्टर्न घाट. वेस्टर्न घाट में काफी बड़ी प्रॉब्लम है ये कैसानूर फॉरेस्ट. ट्रांसमिशन इसका आमतौर पे नेचुरल इन नेचर. द वायरस इज मेंटेन मेनली इन हार्ट टिक्स. आपको मालूम होगा एक हार्ट टिक्स ये जो आपको दिख रहा होगा ये छोटे छोटे कीड़े होते हैं और ये मंकीज पर होते हैं और यही कीड़े ट्रांसमिट करते हैं ये डिजीज को. इनको हेमाफाइसैलिस स्पिनिगेरा बोला जाता है और ये आमतौर पर मंकी रोडेंट्स और बर्ड्स पर होते हैं ये. To human, it may occur after a tick bite or contact with an infected animals, a sick or recently dead monkey. तो इसी टिक से ट्रांसमिट होता है ये डिजीज इंसानों को और बाकी ऑर्गेनिजम्स को. इसका सिम्टम्स अगर देखा जाए तो सिम्टम्स ऑलमोस्ट चिल्स, फ्रंटल हेडेक, बोन एक एंड हाई फीवर फॉर 5 to 12 days विथ ए केस फर्टिलिटी रेट ऑफ 3 to 5%. 3 से 5% तक ऑलमोस्ट इसका फर्टिलिटी रेट होता है. Diagnosis can be made in the early stage of illness by molecular detections by PCR or virus isolation from blood. Later serological tests including enzyme link, immunosorbent serologic assay, ELISA test भी किया था which can detect the virus. Treatment देखिए आमतौर पर ऐसा किसी तरह का treatment नहीं है for monkey fever. एक vaccine है जिसको formalin inactivated KFDV vaccine ही बोला जाता है. Does exist for KFD and is used in endemic areas of India. However, it is found that vaccines are not effective once the person is infected with fever. अगर एक बार person इस fever से infected हो गया तो फिर उसको फिर वो किसी तरह का vaccine काम नहीं करता इसमें. तो उससे पहले ही test start करना पड़ेगा. So काफी dangerous disease है ये. एक बार होने के बाद इसका treatment almost possible नहीं होता है. चलिए अपने अगले न्यूज़ पे चलते हैं. हमारा अगला न्यूज़ है रिसेंटली बेंगलोर के कुछ लोगों ने सन हेलो देखा था जहां पर सूरज के चारों तरफ एक इस तरह के इंद्रधनुष टाइप के स्ट्रक्चर बना हुआ था और ये एक यूनिक फेनोमेना था. इंडिया के लिए तो ऑलमोस्ट यूनिक ही था बट दुनिया में ऐसे सन हेलोस बहुत देखे जाते हैं. ऑलमोस्ट जो ठंडे रीजन होते हैं आर्कटिक रीजन वहाँ पर. आखिर ये बनता कैसे. देखिए इसका बनने का प्रोसेस वैसा ही है जैसा रेनबो का बनने का प्रोसेस होता है बट यहाँ पर जो रीजन होता है वो क्लाउड के चलते है. क्लाउड में प्रेजेंट जो आइस क्रिस्टल्स होते हैं वो लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं एंड दिस लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ ए रेनबो लाइक स्ट्रक्चर. इसको हम सन हेलो या 22 डिग्री सर्कुलर हेलो भी कहते हैं क्योंकि ये सन से 22 डिग्री के एंगल पर ही बना हुआ होता है. समझते हैं थोड़ा. The people in Bangalore witnessed a bright rainbow ring around the sun for a few minutes on Monday morning. A rare optical and atmospheric phenomena called 22 degree circular halo or sun halo. It is a large ring or circle of light around the sun or moon. Scientists call them 22 degree halos.
बिकॉज द रिंग हैज अ रेडियस ऑफ अप्रोक्सीमेटली 22 डिग्री अराउंड द सन और द मून, तो 22 डिग्री के लगभग डिस्टेंस पे ये बना हुआ होता है, इसीलिए इसको 22 डिग्री हेलो भी कहा जाता है। आगे इसके बारे में समझा जाए तो दिस हेलोस आर फॉर्म ड्यू टू द हाई एंड थिन सीरस क्लाउड ड्रिफ्टिंग 20,000 फीट और मोर अबव आवर हेड। दिस क्लाउड कंटेन मिलियंस ऑफ टाइनी आइस क्रिस्टल्स, ध्यान रखिएगा ये सीरस क्लाउड के चलते हाई एल्टीट्यूड क्लाउड होते हैं। एंड दिस क्लाउड कंटेन मिलियंस ऑफ टाइनी आइस क्रिस्टल्स, द हेलो आर कॉज्ड बाई बोथ रिफ्रैक्शन और स्प्लिटिंग ऑफ लाइट एंड ऑल्सो बाई रिफ्लेक्शंस और ग्लिंट ऑफ लाइट फ्रॉम दिस आइस क्रिस्टल्स। The crystals have to be oriented and positioned just so with respect to your eyes in order for the halo to appear. So almost ये इस structure में halo appear होता है और हर किसी को halo अलग अलग दिखता है। That's why like rainbow halos around the sun or moon are personal. Everyone sees this own particular halo made by their own particular ice crystal, which are different from the ice crystals making the halo of the person standing next to you. तो हर इंसान जो भी देखते हैं इसको उनके हिसाब से ये हेलो बनता है अलग अलग स्ट्रक्चर का। सो ये पर्सनलाइज हेलो कह सकते हैं इसको आप। चलिए अपने अगले न्यूज पे चलते हैं। हमारा अगला न्यूज है हवाना सिंड्रोम से रिलेटेड। ये जो रिसेंटली न्यूज ये है कि कुछ यूएस ऑफिशियल्स को कुछ ऐसे सिम्टम्स, ये ऐसे मिस्ट्री इलनेस के सिम्टम्स आ रहे हैं जो लिंक्ड है हवाना सिंड्रोम से। मतलब हवाना सिंड्रोम में जैसा सिम्टम्स आया करता था वैसे ही कुछ लोगों को ये सिम्टम्स आ रहे हैं, कुछ यूएस ऑफिशियल्स को या आप कह सकते हैं यूएस डिप्लोमेट्स को। तो आखिर ये हवाना सिंड्रोम है क्या? देखिए ये हवाना सिंड्रोम क्यूबा का जो शहर है हवाना वहां से रिलेटेड है। तो थोड़ा समझते हैं पहले न्यूज को फिर आते हैं उस इंसिडेंट्स पे। सो इन 2020 ए रिपोर्ट बाय द नेशनल एकेडमिक्स ऑफ साइंस यूएस फाउंड डायरेक्टेड माइक्रोवेव रेडिएशंस टू बी द प्लॉसिबल कॉज ऑफ द हवाना सिंड्रोम। एनएएस ने कहा था कि ये जो हवाना सिंड्रोम है उसकी जो मेन रीजंस है वो एक तरह का डायरेक्टेड माइक्रोवेव रेडिएशन है, माइक्रोवेव रेडिएशन है और जिस रेडिएशन के यूज करने के चलते लोगों को ये हवाना सिंड्रोम्स आ रहा है। तो कुछ सीक्रेट्स वेपन की बात यहां पर कही जा रही है। इंक्रीजिंग नंबर ऑफ केसेस इज बीइंग कंसीडर्ड ए मास साइकोजेनिक इलनेस, एक तरह का मास साइकोजेनिक इलनेस है जहां पर ऑलमोस्ट ब्रेन में कुछ लोगों को कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती है और पूरी बॉडी फिर अलग तरह से रिस्पॉन्ड करने लगती है, एक सिम्टम्स टाइप का निकलता है जिसमें शिवरिंग वगैरह होती है। ये एक हवाना से रिलेटेड है। देखिए कहानी है 2016 की जिसमें कहा यह जाता है कि अमेरिका के कुछ डिप्लोमेट थे जो क्यूबा में स्टेशन थे, क्यूबा के शहर हवाना में। दे एक्सपीरियंस सम ऑड फिजिकल सेंसेशंस एंड हर्ड पिक्यूलियर साउंड आफ्टर विच दे स्टार्टेड फीलिंग सिक। उनको कुछ पिक्यूलियर साउंड सुनाई देता था और एक अजीब तरह का फिजिकल सेंसेशंस सुनाई देते हैं, फील होता था और जिसके बाद वो बीमार पड़ जाते थे। द यूएस हैज इवन एक्यूज्ड क्यूबा ऑफ कैरिंग आउट सोनिक अटैक। कुछ लोगों ने कहा, अमेरिका के कुछ साइंटिस्ट कह रहे थे कि ये एक तरह का सोनिक अटैक है जो क्यूबा कर रहा है अमेरिकन साइंटिस्ट, अमेरिकन डिप्लोमेट्स के ऊपर। बट क्यूबा साफ इस चीज को मना कर देता है कि नहीं, ऐसा कुछ हमने नहीं किया है एंड रिफ्यूज अवेयरनेस ऑफ एनी सच इलनेस और सिंड्रोम्स। और उसने कहा कि हमें तो ऐसा कोई सिंड्रोम्स मालूम ही नहीं चल रहा। उसके बाद से लगभग इवन सिंस मेनी बॉडीज इंस्टीट्यूशन हैव बीन रिसर्चिंग द कॉज ऑफ द हवाना सिंड्रोम्स एंड मेनी प्लॉसिबल फैक्टर्स हैज बीन डिस्कवर्ड टिल डेट। और बहुत सारे प्लॉसिबल फैक्टर भी निकल के आए हैं। सिम्टम्स में अगर देखा जाए तो सिंड्रोम्स इंक्लूड नोजिया, एक तरह से मतली टाइप की आती है, सीवियर हेडेक होता है, फटीग, डिजीनेस, स्लीप प्रॉब्लम एंड हियरिंग लॉस, सुनाई भी नहीं देता। ये सारे सिम्टम्स ऑलमोस्ट कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि इट इज ड्यू टू सम सोनिक अटैक। A few of those who have been affected more faced chronic issues like vestibular processing and cognitive problem. कुछ लोगों को ये cognitive problem भी होती है इस syndrome के चलते। अब इसके बहुत सारे theory निकल के हैं। एक तो theory ये कहती है कि कुछ countries इस microwave weapon का use कर रही है, और microwave weapon ही होता है जो इस तरह के symptoms को generate कर सकता है। जैसे कि माइक्रोवेव वेपन में एक होता है डायरेक्ट एनर्जी वेपन जिसको हम लोग कहते हैं DEW। आप समझिए लेज़र गन या माइक्रोवेव गन
या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स ईएमपी, ये सब एक तरह के माइक्रोवेव वेपन होते हैं जो यूज किए जाते हैं एनिमी के खिलाफ. तो दे आर टाइप ऑफ डायरेक्ट एनर्जी वेपन विच एम हाईली फोकस्ड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ सोनिक लेजर और माइक्रोवेव्स एट ए टारगेट. तो ये टारगेट के ऊपर में इस तरह की चीजें सेंड करते हैं. दे रिलीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विच कॉसेस सेंसेशन इन द ह्यूमन बॉडी. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हिटिंग द वाटर इन द ह्यूमन बॉडी मेक ए पर्सन फील डिजीनेस एंड नोजिया. तो ये उसका रीजन हो सकता है. कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जो इस ऐसे वेपन्स को डेवलप कर रही है, जिसमें अमेरिका, चाइना, इंडिया सब है. तो कंट्रीज ऑफ द नंबर ऑफ कंट्रीज आर थॉट टू बी हैव डेवलप्ड दिस वेपन्स टू टारगेट बोथ ह्यूमन एंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, जिसमें चाइना पहली बार इसको डिस्प्ले किया था. चाइना हैज फर्स्ट पुट ऑन डिस्प्ले इट्स माइक्रोवेव वेपन कॉल्ड पॉली WB1 एट एन एयर शो इन 2014. बट क्योंकि चाइना का है तो उसके ऊपर कोई भरोसा नहीं कर सकता, हालांकि वो बना भी सकता है. द US हैज ऑल्सो डेवलप्ड अ प्रोटोटाइप माइक्रोवेव स्टाइल वेपन विच इट कॉल्स द एक्टिव डिनायल सिस्टम विच इज द फर्स्ट नॉन लिथल डायरेक्टेड एनर्जी काउंटर पर्सनल सिस्टम विथ एन एक्सटेंडेड रेंज ग्रेटर देन करेंटली फील्डेड नॉन लिथल वेपन. तो नॉन लिथल वेपन से भी ज़्यादा ये हाई प्रिसिजन का होता है. इंडिया की अगर बात किया है तो वी हैव ऑल्सो डेवलप्ड दिस टाइप ऑफ टेक्नोलॉजीज, जिसमें हमारे काली भी आती है, काली, दुर्गा. रिसेंटली DRDO हैज अनाउंसड इट्स प्लान टू डेवलप DEWs यूजिंग हाई एनर्जी लेजर एंड माइक्रोवेव्स. डेवलपमेंट ऑफ DEWs इज सीन एज पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियाज वर्सनिंग सिक्योरिटी एनवायरमेंट, स्पेशली इट टाइज विद चाइना. कंसर्न ये है कि दिस वेपन्स आर ए कॉज ऑफ कंसर्न एज दे कैन इफेक्ट बोथ मशीन एंड ह्यूमन बींग. दे कैन कॉज लॉन्ग टर्म डैमेज विदाउट लिविंग ए सिंगल मार्क ऑन द ह्यूमन बॉडी. तो बिना शरीर पे एक क्रोच हुए बिना भी इंसानों को खराब किया जा सकता है. ये सबसे बड़ा कंसर्न है इस ऐसे वेपन्स का. और इस वेपन्स को बहुत सारे कंट्रीज डेवलप कर रहे हैं. अब यही वो डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स हैं जो इस हवाना सिंड्रोम्स के पीछे हैं या कुछ और हो सकता है, अभी तक क्लियर नहीं है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आज के लिए इतना ही. कल हम फिर मिलते हैं DNA के एक अलग सेगमेंट पे. तब तक के लिए शुक्रिया.